हेलो एवरीवन, समय दूरी का रुक्मिणी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो लोग ये बनाए हैं वो इसमें से मैं एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। जिनको भी जिस प्रश्न में डाउट लग रहा है उसमें क्या करेंगे आप देख लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, उसका औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड डिस्कस किया गया था एवरेज स्पीड क्या होगा? औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या है यहां पर टोटल दूरी? कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 की गति से जाता है और 30 की गति से लौटता है। एक चीज और बताया गया होगा कि यदि एक ही दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए चाल से जाता हो तथा y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता हो, तो औसत चाल क्या होगा? तो ऐसे में औसत चाल होगा 2 × xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, 2 × xy बटा x प्लस वाई, 2 × xy बटा x प्लस वाई, मतलब कि यहां पर जो सवाल दिया हुआ है ये दूसरे वाले नियम पर, पहला वाला नियम पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर एक ही दूरी को अलग अलग चालों से चल रहा है तो क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे 2 × xy बटा x प्लस वाई। औसत चाल बराबर लिखेंगे 2 × x के जगह पर आपका 20 है और गुने 30 बटा 30 + 20, 30 + 20 = 50, यानी 2 × 20 × 30 × 50 = 50। सोल्व करेंगे 5 × 0 = 0, 5 × 20 = 20, 4 × 12 = 12, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। उसका चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ता हूँ आगे इस सवाल पर। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में 6 प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है यदि कोई वस्तु व्यक्ति को पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है अगर, तो जो व्यक्ति को पार करने में जितना समय लिया है वही चाल से गुना कर देंगे 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। विपरीत दिशा में आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से व्यक्ति। देखिए, अगर दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा निकलेगा, रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर दो चीजें एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके चालों का अंतर सापेक्ष चाल होता है, और अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालों का योग होता है। यहां पर देखिएगा तो 84 की गति से रेलगाड़ी जा रही है और विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा है 6 के चाल से, यानी रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल 84 + 4 हो जाएगा। विपरीत दिशा से आ रहा है और चलते हुए कितना देर में पार कर रहा है? 4 सेकंड में। चूंकि ये आपको किलोमीटर में है इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि यहां समय दिया है 4 सेकंड। सापेक्ष चाल गुने समय होगा दूरी। ठीक है,
दूरी बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल गुने समय। अगर दो वस्तुएं दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल गुने समय होगा। विपरीत दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का चाल जुटेगा, दोनों वस्तु जो गतिमान है ना उसके चाल जुटेंगे। कितने चाल से चल रहा था, 84 और 6 के चाल से, और कितने समय में पार कर जा रहा है, 4 सेकंड में। तो इसको लिखिएगा 5/18 और समय 4 सेकंड, यहां लिखेंगे 4। कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। यहां पर क्या हो रहा है, 90 × 5/18 × 4 अटम पिटम करेंगे, यानी कि कट रहा है आपको 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 × 100, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। तो आप इसमें समझ गए होंगे, अगर डिस्टेंस बराबर वैसे होता है स्पीड इंटू टाइम, लेकिन दो वस्तु दौड़ रहे होंगे तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, सापेक्ष चाल गुने समय। ठीक है, बढ़ता दूसरा सवाल, तीसरा सवाल दे रहा है कि कार की गति है, उसकी गति किलोमीटर में निकाली। देखिए मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, याद रखना है 16 × 16.2/3 है, तो सोलतिया ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको सोलतिया 48 × 50/3 मीटर प्रति सेकंड है, और इसको अगर मुझे किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। क्यों, क्योंकि अगर छोटा यूनिट को बड़ा में बदलना है तो उसको हम बदल सकते हैं और लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, अगर 18/5 से गुना कर दें तो लिखेंगे तो 3 × 6 = 18, 10 × 10 = 50 और 10 × 6 = 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, इसको अगर चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो आपको गुना करना है 5/18 से, जैसे इसके पहले वाले सवाल में किए। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो यहाँ पर 18/5 से गुना करेंगे। छोटा यूनिट को बड़ा बनाना है तो बड़ा को ऊपर रखना है, बड़ा यूनिट को छोटा बनाना है तो छोटा वाला को ऊपर रखना है। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, देखो बोटन स्ट्रीम में नदी के धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, नदी के धारा को वाई से डिनोट करेंगे और नाव के चाल को एक्स से। यहां पर एक व्यक्ति है, नाव नहीं है, नाव के जगह पर एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि व्यक्ति की चाल यानी नाव की चाल x मानेंगे और धारा की दिशा में जा रहा है तो x+y धारा साथ देगा आदमी का, धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा साथ देगा, यानी कि x+y ये धारा का चाल है, स्ट्रीम का चाल है, ये बोट का चाल है, बोट नहीं है यहाँ पर व्यक्ति है, तो व्यक्ति का चाल x मान लिए, धारा का चाल y मान लिए, वो 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में पूरा करता है। 10 मिनट बोले तो 10/60 करेंगे तो ये आवर हो जाएगा ये, ठीक है, 10/60 करेंगे तो ये आवर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर x+y। तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरा करता है, धारा के विपरीत मतलब x-y 1 किलोमीटर की दूरी को ही 30 मिनट में चलता है, तो 30 मिनट का मतलब 30/60 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। धारा के विपरीत कैसे चलता है, 2 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा सोचिए क्या हो जाएगा इसका, तो नदी में धारा की गति निकालना है तो आप क्या करिएगा, मेरा धारा वाई का निकालना है, अगर वाई निकालना है वाई छोटा होगा किससे, एक्स से, छोटा वाला का निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग 6 − 2/2 यानी कि कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर x का निकालना होता दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, वैसे इसका y का निकालना था तो आंसर कितना जाएगा 2। ठीक है, x का निकालना होता तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। पढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट सवाल भी बोटन स्ट्रीम से है। नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है
और इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाकर वापस उसी बिंदु पर आने में कुल 55 मिनट समय लेता है। मतलब साफ है कि धारा का वेग आपका वाई दे रखा है, वाई दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत जाता है 10 और वापस उसी बिंदु पर आता है, यानी कि समझ रहे हैं, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर गया है, विपरीत जाएगा और वापस आएगा, तो एक बार जाएगा धारा की दिशा में तो एक बार धारा के साथ आएगा, तो धारा के साथ चाल क्या होगा x+2 और धारा के विपरीत चाल क्या होगा x-2 और कुल समय कितना लगा है 55 मिनट, तो 55 बटा क्या कर लेंगे 60। अब क्या सवाल है, शांत जल में नाव का वेग क्या है, यानी कि x का मान पूछ रहा है। यहां पर देखिए 11/55 और 12/60, ये 11/12 आ रहा है। अब मुझे ऑप्शन में से ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन पुट करने पर 11/12 आ जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे 10 प्लस 22, अगर मैं 22 पुट करता हूं, सॉरी मैं 20 पुट करता हूं, अगर 20 पुट करूंगा तो भी 22 आएगा जो कि दे सकता है, लेकिन मैं ऑप्शन चेक करता हूं, पहले ए चेक कर रहा हूं, 20 पुट करता हूं तो यहां पर हो जाएगा 22 और प्लस 10/18, क्या ये दे पाएगा 11/22, मैं चेक कर लेता हूं, एलसीएम हो जाएगा 198, तो 22 से 9 टाइम्स 90 आ जाता होगा और प्लस 18 से 11 बार में तो 11 आ जाता होगा, 110 आ जाता होगा, 110 और 90 200 आ जाता होगा, तो 200 आना आया है तो ये कभी नहीं आ सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर 22 रखते हैं तो 10 प्लस 22, 22 और 2 24 हो गया और प्लस 22 में से 2 गया 20 आ गया, यानी कि 1/2 हो गया और ये 5/12 हो गया। इसकी संभावना लगती है कि थोड़ा मोड़ा ये लग रहा है कि ये आ जाएगा, 12 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 और ये 5 हो जाएगा और ये 6 होगा, यानी 6×5 = 11/12 आ जा रहा है, यानी कि आंसर कौन सा 22। आपको हीट एंड ट्रायल से बी ऑप्शन को चेक कर लेना है, नहीं तो तरीका एक है। एक तरीका क्या है, कुल दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। एक चालों का अंतर वाला होता है, ये है चालों का योग, अंतर वाला तब लिखते हैं, ये चालों का योग लिख रहा हूं जब यहां पर कुल समय दिया हुआ हो, कुल समय दिया हुआ तो चालों का योग लिखेंगे, और अगर समय का अंतर दिल रहता तो चालों का अंतर लिखते। तो दूरी कितना है हमारा, दूरी हमारा 10 किलोमीटर है, चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा x+2 × x-2 और बटा चालों का योगफल तो 2x और कुल समय तो 55/60। ये सोल्व कीजिएगा, यहाँ से भी x बराबर आ जाएगा आपको 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल करके देख लीजिए, या इसमें हिट एंड ट्रायल करके देख लीजिए, या फिर x का वैल्यू लिख दीजिए, पुट करके देखिए इसमें, या फिर x का वैल्यू सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने पर ये 22 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे सवाल की। सवाल है कि यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देर पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो समय देर हो गया, समय मान लीजिए वास्तविक समय टी था तो टी से 10 मिनट देर हो गया, यानी ज्यादा ले लिया 10 मिनट, और अगर वो 5 के चाल से चला तो समय पहले से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है, देर हुआ यानी 10 मिनट और रहता। आप एक काम कीजिए, देर हुआ है ना तो उस समय को माइनस में लिखिए, और अगर पहले पहुंचा है तो उस समय को प्लस में लिखिए। ठीक है, ये जिसमें है वो इसमें लिखेंगे, मिनट है तो मिनट में लिखेंगे। अब मुझे डिस्टेंस बराबर, आपको एक बात और पता होगा कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल
यानी कि एस वन इंटू एस टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और माई गुने समय का अंतर, ये बताए होंगे। तो चालों का गुणनफल यानी कि चार गुने पांच, चालों का अंतर यानी पांच में से चार गया, पांच में से चार गया एक, और समय का अंतर अगर समय में दोनों ये प्लस में है तो अंतर करेंगे तो अंतर होगा, दोनों माइनस में है तब भी अंतर करेंगे तो अंतर होगा, लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है तो अंतर करेंगे तो जुट जाएगा, यानी 15 मिनट हो जाएगा, 10 और 5 15 मिनट अंतर करेंगे ना, एक प्लस एक माइनस में है तो जुट जाएगा, यानी कि 60, 15 चौका 60 ये हो जाता होगा 5 किलोमीटर आपको आंसर। ये बहुत पूछते रहता है, बी आंसर होगा इसका, चालों का गुणनफल। इतना सारा डेटा ये सब सारा कहां था, क्वेश्चन में था, यहीं से आप पकड़ लीजिए कि चार चाल और पांच चाल, ठीक है, चार गुने पांच अंतर एक और समय 10 देर और पांच पूर्व, पूर्व और देर, पहले और देर रहेगा तो अंतर निकालिएगा तो जुट जाएगा, लेकिन देर देर रहे, पूर्व पूर्व रहे तो योग निकालिएगा तो अंतर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अंतर निकालिएगा, अगर देर पूर्व रहेगा तो अंतर निकालिएगा तो जोड़ होगा, लेकिन देर देर रहेगा तो अंतर निकालेगा तो अंतर ही होगा, पूर्व पूर्व रहेगा पहले पहले रहेगा तो अंतर निकालेगा तो अंतर होगा, यानी कि एक ही रहेगा दोनों जगह पर, यहां पर दोनों एक ही रहेगा तब अंतर करेंगे तो अंतर होगा और योग करेंगे तो योग अंतर करेंगे तो अंतर होगा, लेकिन एक पूर्व है और एक देर है, पहले और बाद है तो ऐसे में अंतर करेंगे तो जुटेगा, क्योंकि एक माइनस में पांच रहेगा एक प्लस में रहेगा, या एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, तो ऐसे में अंतर करेंगे तो पांच माइनस बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, तो ये जुट जाता होगा, इसीलिए याद रखिएगा एक देर और एक पहले, एक या पहले या देर रहे तो अंतर करेंगे तो जुटेगा। आग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है, विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यदि ट्रेनें क्रमशः 50 एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। T1 का चाल यानी कि एक ट्रेन का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे ट्रेन का चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, विपरीत दिशा में चलने वाली तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, तो हमें पता है कि दो ट्रेनें अगर चल रही हैं तो अपनी लंबाइयों का योग पार करेगा, दूसरी लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L2 यही पार करेगा और सापेक्ष चाल से परे पार करेगा, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस और दो ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव स्पीड लिखाता है, रिलेटिव स्पीड गुने टाइम, दो वस्तुएं चल रही हो तो उसमें रिलेटिव स्पीड लिखाता है, बस अति की ध्यान देना होगा कि अगर चाल दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों के चालों का योग, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों के चालों का अंत, दोनों के चालों का, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों के चालों का अंतर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों के चालों का योग हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर 150 प्लस L2 दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, 70 के इधर से जा रहा होगा और 50 के उधर, दोनों नज़दीक आ रहे होंगे हर समय 120 किलोमीटर, और ये कितना समय लग रहा है, ये दोनों पार करने में लग जा रहा है एक दूसरे को पार करने में 7.5 सेकेंड, तो ये किलोमीटर में था तो 5/18 करके मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे और 7.5 से गुना कर देंगे 75/10 से, कैलकुलेट करिएगा L2 निकल पड़ेगा। आपको ध्यान देना है दो वस्तुएं चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड लिखना है, रिलेटिव स्पीड अगर विपरीत दिशा में है तो जुटेगा, एक ही दिशा में है तो घटेगा। और ऐसे सोचा कीजिए कि दो लोग अगर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक घंटा में एक 70 आ रहा है दूसरा 50 आ रहा है, तो दोनों नजदीक जानते हैं मिलकर कितना आएगा 120 आएंगे, तो कभी भी योग होगा अंतर होगा समझना है तो आपको प्रैक्टिकली सोचकर भी समझा जा सकता है। 15/75 और 2/10, ठीक है। और यहां पर देखिएगा 7/5/12, 120 × 5/18 × 15/2 आ जा रहा होगा। यहां पर साढ़े 7 सेकेंड, इसको मैंने चेंज नहीं किया है,
7.5 सेकंड को क्या कर सकते हैं आप, मिनट में नहीं सेकंड में ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसी को चेंज कर दिया, ये भी मीटर में ही दिया हुआ है ना। हाँ, तो लिखिएगा 150 मीटर प्लस, इसको काट लीजिएगा, 36 18 और 20 6 120, 3 3 5 15 और 2 10 12 में 5 5 25 25, ये भी कट जा रहा है, काट लीजिए अपने से, ये कट जा रहा है इससे 10 बार में। क्या क्या आ गया यहाँ पर, 5 5 25 25 नहीं है, 500। अब इधर L2 है, L2 बराबर कितना हो जाएगा, 150 में से 500 घटाएंगे, 350, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 5 5 फिर से काटता हूँ, 5 3 15 और 3 6 18, ठीक है, और 6 से काट दिए 20 6 120, 2 से काट दिए 10 बार में, 2 से काट दिए 10 बार में, और ये मेरा 5 बच गया और ये 5 बच गया, तो 5 5 25 250 ही तो हो रहा है, ये 500 कहाँ से, 5 5 25 250 घटेगा 150 में, यहाँ बचेगा 100, आंसर हो जाता होगा इसका 100। कैलकुलेशन करिए, मिला जुला के बात है कि क्या दूरी चलेगा, टोटल लेंथ किस चाल से चलेगा, सापेक्ष चाल से, कितने देर में, समय से गुना करेंगे, कैलकुलेशन आप देखिए, आंसर हो जाता है इसका 100। अगला सवाल देखिएगा, समान गति से चल रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, किस चाल से चल रही है, 120 की चाल से, चाल क्या है इसकी, 120 की चाल से चल रही है, और क्या चल रही है भाई, 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को क्रमशः, देखिए बढ़िया से बढ़िया, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 117 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को पार कर रही है, एक रेलगाड़ी है दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना, दो प्लेटफॉर्म पार कर रही है, एक लंबे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना, चलो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपका 120 और एक दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, एक दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 170, दोनों प्लेटफॉर्म को पार कर रही है क्रमशः 12 सेकंड और 15 16 सेकंड में पार कर जाती है, एक को पार कर रही है 15 से कितना में, एक को पार कर रही है 12 सेकंड में, दूसरे को पार कर रही है 16 सेकंड में, 15 सेकंड में और दूसरे को पार कर रही है 16 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, यहां पर 120 मीटर 15 सेकंड में पार कर रहा है तो किसको पार कर रहा है, ट्रेन अपनी लंबाई, अपनी लंबाई प्लस 120 मीटर को पार कर रहा है कितना देर में, 15 सेकंड में, ठीक है, और दूसरी अपनी दूसरी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा अपनी लंबाई प्लस 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 16 सेकंड में। आप ही बता दीजिए कि रेल किस चाल से चल रहा है, क्या नहीं लगता है कि एक सेकंड में वो 50 मीटर चल रही है, क्योंकि लंबाई तो कॉमन है, अगर घटाऊंगा तो ये 50 मीटर आएगा, एक सेकंड में अपनी लंबाई चल रही होगी, तो पूछता है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेल की चाल बराबर क्या करूंगा यहां पर, 50 मीटर दूरी और समय एक सेकेंड, यानी कि 50 मीटर दूरी और समय एक सेकेंड, यहां पर एक ही सेकेंड समय हो रहा है, 12 16 है, सॉरी मैंने यहां पर 15 लिखा है, ये 12 सेकेंड है और 16 सेकेंड है, तो 12 में से 16 गया, 16 में से 12 गया, 4 में पार कर रहा है, यानी कि यहां पर इतना मीटर प्रति सेकेंड होता, आंसर हो जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपका आ जाता होगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 120 मीटर को पार कर रहा है 12 सेकेंड में, 170 मीटर को पार कर रहा है 16 सेकेंड में, निकालिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और जहां भी डाउट होता है उसको एक बार थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए फिर से, कहीं त्रुटि लिखा जाता है तो उसको सुधार कर देखा कीजिए, 12 सेकेंड था, मैं 15 लिख रखा था, ध्यान दीजिएगा। सवाल अगला, मनुष्य की निश्चित गति से निश्चित दूरी को, मनुष्य
एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वह आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता चला होता तो उसे एक घंटा कम लगा होता। एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और यदि वह आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे एक घंटा कम लगा होता, लेकिन यदि वह एक किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो तीन घंटे अधिक लगता। तो मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी, बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं मान लूं कि मनुष्य एक किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और निश्चित दूरी को टी समय में तय करता है, टी घंटा में तय करता है। यह निश्चित चाल मान लिया हमने, और यह समय मान लिया। लेकिन अगर कहता है कि व्यक्ति अपना चाल कम कर दे आधा किलोमीटर प्रति घंटा और समय बढ़ा दे एक घंटा, सॉरी इतना तेज चले बढ़ा दे चला था, तो समय एक घंटा कम लगता है उसको। और यदि उसे एक लेकिन यदि वो एक किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता, यानी कि ये वाला केस स्पष्ट है, ये केस फर्स्ट है और केस सेकंड क्या कह रहा है, यदि वह लेकिन यदि वो एक किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता, कहने का मतलब कि x माइनस वन के चाल से चला होता तो तीन घंटे अधिक लगता, टी प्लस थ्री लगेगा समय उसको, ये बात समझना है। और मुझे ऐसा टाइप्स बताया गया होगा, वैल्यू अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन यही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहला वास्तविक वाला से पहला के साथ और इसका चालों का गुणनफल से निकालते हैं। क्या दूरी का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, यानी दोनों चालों का योग गुणनफल कीजिए, चालों का अंतर हाफ और समय का अंतर एक, इन दोनों का अंतर कितना आएगा एक। फिर इधर लिखिए वही दूरी, पहला और दूसरा केस को लेंगे तो चालों का गुणनफल यानी कि एक्स गुने एक्स माइनस वन, ध्यान दे लेंगे क्या सही लिखा है ना, एक किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है माइनस किए हैं तो समय कितना तीन घंटा अधिक, पहले वाला में इतना तेज चलता है प्लस किए तो समय एक घंटा कम माइनस लिखे हैं। क्लियर है डेटा, थोड़ा एक बार ध्यान दिया लिया कीजिए, कहीं कहीं गलती लिखाता है उसके कारण गलती होगा। एक्स और एक्स माइनस वन का अंतर कितना वन और समय में अंतर कितना तीन, कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से कट रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल और ये 2 इंटू एक्स प्लस हाफ बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि 2x प्लस वन बराबर 3x माइनस थ्री, यानी कि x बराबर 4, अर्थात चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा सा सोचिए वास्तविक चाल कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या करना है पता है, मैं किसी दूरी निकालना है हमें, तो मैं किसी एक में डिस्टेंस पुट करके निकाल लूंगा। जैसे ये वाला मैं निकालता हूं, 4 गुने साढ़े चार यानी 9/2, यहाँ पर 4 पुट करूंगा तो 9/2 आएगा और ये आधा हो रहा होगा, यानी कि 2 × 4 और 9 × 18, 18 × 36 किलोमीटर ये डिस्टेंस रहा होगा। तो ये चीज आपको मन ही मन मानना है और काम यहाँ से करना है। इसको इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन में जो है वो यही वाला लिखा हुआ है, बस वो भाषा में था, मैं इसको सिंबल में लिख दिया। इसको माइंड में समझना है और डिस्टेंस दोनों तरफ लिखना है, एक से निकालना है, किसी एक में पुट करना है, आंसर निकालना है। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा, इसको क्लास में भी बताया गया है, आई होप कि अब समझ में भी आया होगा। प्रश्न संख्या 9, बढ़ता हूं 10 की तरफ। क्या कर रहा है, कहता है कि बराबर लंबाई की मोमबत्तियां एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की दो मोमबत्तियां हैं, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे में तक जलती है और पतली मोमबत्ती 2 घंटे तक जलती है। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है क्योंकि उसकी लंबाई दोनों की बराबर है और पतली मोमबत्ती जो है सो जल रही है कितने देर तक, 6 घंटे तक और ये जलती है 2 घंटे तक, 2 घंटे कम जलती है, मतलब कि 4 घंटे जलती है। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया
जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है, यानी कि ये जब जलने जल गया पी समय तक मान लीजिए जला है, और पी समय बाद सोने गया था तो देखा कि ये जो मोमबत्ती है सो इससे दुगना हो गया, ये दू हो गया, सॉरी ये वाला कम जला, ये तेजी से जल गया, ये वाला पतली मोमबत्ती तेजी से जल गया और ये दुगना हो गया, यानी कि मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी लंबी हो गई, यानी मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी हो गई। तो रमेश ने कितने देर पहले दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया था, मान लीजिए टी समय बाद आया होगा सोने, यानी टी समय तक जलाया था होगा, दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया होगा, कितने देर जला था, मान लीजिए टी समय बाद आया था यानी टी समय तक जला था, ठीक है। अब जरा सोचिए, मैं ऐसे में मोमबत्तियों की लंबाई मान लेता हूँ, मैं पहली मोमबत्ती का लेंथ मान लिया, लंबाई मान लेता हूँ अपने से, मोमबत्ती की लंबाई मान लिया एलसीएम, छः और चार का एलसीएम, छः और चार का एलसीएम मैं 12 मान लेता हूँ, मान लेता हूँ पहला मोमबत्ती की लंबाई 12 मीटर और दूसरा मोमबत्ती की भी लंबाई 12 मीटर है, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर है। अब दोनों का गति जलने का दर क्या होगा, जलने का दर, मोमबत्ती के जलने का दर 12 मीटर जलता है कितना देर में, 6 घंटा में, और 12 मीटर जलता है 4 घंटा में, यानी कि यहां पर मोमबत्ती जलने का दर 2 मीटर प्रति घंटा और यहां पर मोमबत्ती जलने का दर 3 मीटर प्रति घंटा। अब जरा सा सोचिए, दोनों का जलने का दर मन ही मन निकाल लीजिए आप, 3 और कितना 2 और 3 हो जाएगा। अब टी समय तक जला होगा तो कितना, ये तमाम कार्य जो कार्य कर रहा हूं मैं वो सब केवल सोचना है मन ही में, ठीक है, ये तमाम बातें मन ही में सोच लिए, इतना सारा बात सोचना है कि ये वाला क्या हो जाता है, टी समय बाद 2:1 में हो जाता है, लंबाई मान लेंगे, जलने का दर मान लेंगे। अब क्या करना है, अंतिम बार केवल आप इतना में अगर इतना बात को समझ पाते हैं तो केवल मुझे क्या करना है, टी समय बाद बचा मोमबत्ती लिखना है, टी समय बाद शेष मोमबत्ती क्या बचेगा, शेष मोमबत्ती टी समय बाद ये टूटी जल जाएगा, यानी कि लंबाई था 12 में से 2T जल गया पहल का और दूसर का कितना जल गया, 3T जल गया, 12 में से 3T जल गया और ये जो है सो दुगना हो गया किसके, पतली वाली मोमबत्ती के, मोटी मोमबत्ती का मोटी मोमबत्ती दुगना रह जाएगा पतली मोमबत्ती से। कैलकुलेट कीजिए आंसर, नौ टी इधर करेंगे तो 7T आ जा रहा होगा और ये 12 घटाऊंगा तो 24 आ जाएगा, यानी टी बराबर, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 में से 2T जला है, टी समय तक 2T जल गया और ये दूसर का 3T जल गया और पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की दुगनी, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 12 में से 2T गुना करूंगा तो ये 12 और 12 2T 12 2 24 3 2 6 यहां बच रहा है और 6 घटाएंगे 6T है, ये 6T में से 4T में से जाएगा, यहां 4T बचेगा और टी बराबर हो जाएगा 6 चौका 24 6 घंटा, कितना, 4 4 6 24 और 12 24 घट रहा है, ठीक तो है, 12 2 24 गलत लिख रहा हूं, 2T 12 2 24 और 3 2 6T, देखिएगा कहीं कैलकुलेशन में गलती होता है तो, यहां पर आ जाएगा 4T और बराबर 12 यानी टी बराबर 3, आंसर यहां पर 3 है। खैर करना क्या था, केवल इतना सारा बात लिखना है एग्जाम में, लेकिन सोचना क्या है, इन तमाम बात कि मोमबत्ती की लंबाई मानना है, जलने का दर मानना है, कि लंबाई मान लेंगे तो 6 घंटा में जल रहा है तो जलने का दर 2 और दूसरा का जलने का दर 3 और बस लिख देंगे जलने के बाद क्या बचा है वो लिखेंगे, मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। वहां पर देखिए कैलकुलेशन में गलती हुआ था, 12 2 24 और 3 2 6 लिखना था, मैं शायद 36 लिख गया था, भर्ती 36 कर दिया था, तो केयर कीजिएगा, ठीक है, पढ़ता हूँ, यहाँ पर तिगुना होता तब ये दुगुना हो रहा है 1:2, तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बढ़ता हूँ। सवाल अगला, एक रेल 2.5 घंटे तक औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, 2.5 घंटे तक 50 की गति से चला,
फिर 1.5 घंटे तक 70 की गति से चला और तो रेल पूरे 4 घंटे में कितने दूरी चलेगा, 2.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा पहले कितनी दूरी चलेगा भाई, 50 के चाल से 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा इतना दूरी चला होगा, स्पीड गुने टाइम डिस्टेंस हो गया ये, और 70 के चाल से चला है 1.5 घंटा, सॉरी फिर गलत लिख रहा हूं, पहला चला 2.5 घंटा यानी कि 5/2 और बाद में चला है 1.5 घंटा यानी 3/2, 1.5 घंटा को 3/2 लिखते हैं, 2.5 घंटा को लिखते हैं 5/2, 1.5 घंटा को लिखते हैं 3/2, कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा 25 × 5 = 125 और प्लस 35 × 70 और 35 × 3 करेंगे 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 105 यानी कि ये जो आ रहा होगा 2230 आएगा, कोई है ऑप्शन में 230, सीधा दूरी निकालना था। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को पुल पर से गुजरती है, यदि ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, देखिए पुल से गुजर रही, पुल पर से गुजर रही है किस चाल से, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को पुल पर से गुजरती है, यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड हो और पुल उसे पुल पार करने में 20 सेकंड लगता हो, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मान लिए एल, पुल की लंबाई 400, जब ट्रेन एक पुल को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगा, और इसको पार कर रहा होगा किस चाल से, तो 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से पार कर रहा होगा, और कितने सेकंड में पार करता है तो 20 सेकंड लगता है, यानी कि 3×6 = 600 हो जाएगा मीटर लंबाई टोटल, यानी कि इसका लंबाई बराबर इतना माइनस 400 यानी कि 200 मीटर लंबा हो जाएगा क्या ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गति वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करता है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद रखिए किसमें व्यक्ति बैठा है, अगर व्यक्ति बैठा है धीमी गति वाली में तो हमें चाल निकलेगा तेज गति वाली का, तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल क्या निकलेगा, किसकी चाल निकलेगा, अगर धीमी गति वाले में बैठा है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल निकलेगा, किस चाल से जा रहा है 3645 के, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाएगा तो भैया चालों का योग होगा 45 + 36 के चाल से जा रहा होगा, कितना देर में पार करता है एक दूसरे को 8 सेकंड में, तो इसको 5/18 गुना कीजिए चूंकि किलोमीटर पर आवर में था, और 5/8 सेकंड से गुना कर दीजिए, देखिए 8 सेकंड है यहाँ पर, कैलकुलेट कीजिएगा जो आएगा, सो यहाँ पर किसकी, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा, किसकी लंबाई निकलेगा, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि आदमी किस में बैठा है धीमी गति वाला में, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, और चाल यहां क्या लिखेंगे, सापेक्ष चाल, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों के चालों का योग, कैलकुलेट कीजिए, ये 36 × 6 = 5 = 11 + 3 = 7 और 1 = 8, 81 / 5/18 × 8 है, तो 9 × 9 = 81 और 9 × 2 = 18, 5 × 20 = 9 × 18 = 180 मीटर, कैलकुलेट कीजिएगा क्या लिखना है, सापेक्ष चाल लिखना है गुने समय लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 13 के बाद 14, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती हैं, क्रमशः बी से ए की ओर जा रही हैं, उनकी 80 किलोमीटर और 90-95 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 165 ज्यादा चल गई, देखिए एक ए से बी की तरफ जा रहा है, एक बी से ए की तरफ, ए बी लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये 80 वाला है सो ए से बी के तरफ जा रहा है, और आपको बी से ए के तरफ जाने वाला ट्रेन का चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी जब मिलते हैं दोनों तो एक है सो दूसरे से 165 ज्यादा चल जाता है, कहीं मिला ये, जाहिर सी बात है कि 95 वाला क्या रहा होगा, ज्यादा चला होगा,
95 तरफ से चल रहा है जो, वो क्या किया होगा, ज्यादा चला होगा, ठीक है। और ये इधर तरफ 80 तरफ वाला कम चला होगा, क्योंकि बराबर समय तक चला है। मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले दोनों का चाल का पहला और दूसरा का निकाल लेता हूं, पता है इनके बीच की जब चल रहे होंगे 80 और 95 वाला, तो जब तक ये 80 चलता होगा तब तक ये 95 चलता होगा, यानी कि इसके द्वारा 16 मीटर दाय 16 पचे 80 और 19 पचे 95, 16 और 19 के अनुपात में ही चला जा रहा होगा। पता है एक रेलगाड़ी दूसरे से 165 मीटर ज़्यादा चल पा रहा है, यहाँ पर कितना ज़्यादा चल रहा है, 3 मीटर ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा 3 है सो कितना, अगर ये 16 चला हो और ये 19 चला हो तो कितना ज़्यादा चल रहा है एक दूसरे से, 3 मीटर, 3 है सो कितना है, 165 मीटर है, 165 किलोमीटर है। मुझे कुल दूरी निकालना है, यानी कि इधर से चला होगा तो ये 16 चल गया होगा और इधर से चला होगा तो 19 अनुपात चल गया होगा, यानी ए और बी के कुल बीच की दूरी कितना होगा, 16 और 19 35 हो गया होगा, और काटिएगा तो कट जाना चाहिए, 3 से कटेगा ये कितने बार में, 3 से कटेगा, ए बी की दूरी बराबर कितना होगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 55 बार में, 55 में 35 से गुना करेंगे, 35 पचे 25 15 3 25 55 25 25 15 और 1 15 2 17 175 175 यानी कि 35 पचे 75 से 175 175 7 5 12 2 7 1 8 1 9 और 1 1925 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगा। क्या करिए, अनुपात निकाल लीजिए, देखिए अनुपात में कितना ज़्यादा चल पाया, 3 है सो 165, इधर से 16 चला होगा उधर से 19 चला होगा, यानी टोटल मिलने पर कितना दूरी तय किया होगा, तो 19 और 16 35 दूरी तय किया होगा, अर्थात कुल दूरी मेरे अनुसार 35 ज़्यादा चल रहा है 3, तो 3 बराबर 165 तो 35 बराबर कितना, मुझे लगता है कि बात समझ में आया है। पढ़ता हूँ आगे, नौ सौ साठ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड के चाल रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। फिर दो व्यक्ति दौड़ रहे, एक 900 कितना लंबा है पार करेगा, तो 960 मीटर लंबाई पार करेगा, ठीक है, और दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक 360 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और उधर से 76 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। अच्छा 360 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखेंगे हम, 360 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करके, 18 दुनी 36 20 बचे 100 मीटर प्रति सेकंड, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 100 माइनस क्या करना होगा, 76 करना होगा, 100 माइनस 76 के चाल से जा रहे होंगे, व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा, टी समय में, टी सेकंड में आ जाएगा, टी बराबर यहां पर लिखिए 960 4 और 24 चौक 96 40 सेकंड लगेगा उसको पार करने में व्यक्ति को। तो आप हमेशा देख रहे हैं ये सापेक्ष चाल लिखना होता है, रिलेटिव स्पीड, ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे के प्रश्न की तरफ, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल होगा 180/4, तो कहता है कितनी उस कार की चाल कितनी बढ़ाए कि 4 घंटा में चल जाए, ठीक है, इसका चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना बढ़ाएं कि वो कितने देर में चल जाए, 3 घंटे में चल जाए, 180 को 3 घंटा में चलने के लिए 60 के चाल से चलना होगा, 60 के चलने के लिए x को यानी 45 को 15 बढ़ाना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बढ़ा देना होगा, ठीक है। वैसे भी सोचिए ना, 180 को 4 के चाल से चल रहा है तो 45 के चाल से चलना होगा, और 180 को 3 घंटा में चल रहा है तो 60 के चाल से चल रहा होगा वो, ठीक है।
यानी कि दोनों का कितना बढ़ाना पड़ा होगा, ये 15 बढ़ाना पड़ा होगा, तो आंसर 15 हो जाएगा। वैसे प्रारंभिक चाल लिख लीजिएगा, प्रारंभिक चाल आपका निकल गया 45 और x बढ़ाना होगा 180 को 3 घंटा में चलने के लिए, निकल जाएगा आपका। प्रश्न संख्या अगला देखिए, मुखर्जी 5.5 घंटे में बस से 220 किलोमीटर दूरी तय करता है, 500 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये तो एक एक नियम से यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 200 क्या लिखेंगे, 220 मीटर किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मुखर्जी को लगता है 11/2 घंटा, ठीक है, तो 500 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना घंटा लगेगा, टी घंटा लिखिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। टी बराबर मिलेगा 11/2 × 500/220, 11 से कट जाएगा 20 बार में, 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, 12.5 घंटा, 12.5 घंटा का मतलब होता है 12 घंटा 30 मिनट, ठीक है। या फिर आप क्या करिए, इसका चाल निकाल लीजिए, चाल निकाल कर फिर 500 से मैं भागा देके फिर से निकाल लीजिए टाइम, ठीक है। चाल कितना हो जाएगा, 220/11/2, यानी कि चाल हो जाएगा 20 × 40 किलोमीटर प्रति आवर, चाल क्या हो जाता है 40 के चाल से। अब 40 के चाल से अगर 500 चलेगा तो 40 के चाल से 500 चलेगा तो समय लगेगा उसको 12.5 घंटा, वही है। तो 17 नंबर सवाल था, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, सुरेश मेहता अपने घर से ठीक 9:45 बजे साइकिल से चलता है, 9:45 मतलब कि 10:15 देर, यानी कि 9:45 बजे, 10:15 देर, यानी कि आपको चल रहा है 10:00 यानी 9:45 में चला है। सुरेश मेहता ठीक 9:45 बजे साइकिल से रवाना हुआ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर अपने कार्यालय ठीक 10 बजे पहुंच गया, 10 बजे पहुंच गया, यानी 15 मिनट लगा इसको कार्यालय पहुंचने में, कितना मिनट लगा, 15 मिनट में कार्यालय पहुंच गया। तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी लीजिए, 15 मिनट में 9 के चाल से चला है जनवाज, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5/18 और 15 मिनट को लिखेंगे 15 × 60, हालांकि आंसर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही रहने दीजिए और 15 × 15/60 लिख दीजिए। ये आपको 9 किलोमीटर पर आवर में था और समय को हमने आवर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर 15 × 60 9/4 किलोमीटर नजर आ रहा होगा, जो कि होगा 4 × 8 = 2.1 किलोमीटर दूरी ऑफिस का, 2.4 किलोमीटर, यानी कि 15 मिनट उसको चला था और स्कूल घर से ऑफिस से कार्यालय पहुंच गया था, वो घर से कार्यालय पहुंच गया था, ये 9:45 में चला और 10 बजे पहुंच गया, 15 मिनट पहुंच गया। तो बात को केवल ऐसे घुमाया गया है, समझ में आता ही होगा। अगले देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमित अपने घर से स्कूल 4 के चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले, ये पहले भी सवाल था, क्या था सवाल, अगर 4 किलोमीटर/घंटा के चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है और अगर वो 3 के चाल से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 × 3/1 × 10 मिनट पहले और 10 मिनट देर, यानी 20 देर और पहले रहेगा तो अंतर करेंगे जुटेगा, 60 3 × 3 यानी कि 4 किलोमीटर का आंसर होगा। ये तमाम सवाल वही है जो कि आप पहले कर चुके हैं। 20 देखिएगा, संजय अपने घर से 5 किलोमीटर के चाल से रवाना होता है और तथा अपने कॉलेज 10 मिनट देर से पहुंचता है, 6 की गति से जाता तो नियत समय पर पहुंच जाता है, यानी 5 किलोमीटर/घंटा के चाल से चला तो देर हो गया 10 मिनट का, और अगर वो 6 किलोमीटर/घंटा के चाल से चलता तो समय से पहुंचता, कोई देर नहीं होता, 0 मिनट का देर होता। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर 5 × 6 - 1 यानी चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुने समय का अंतर, तो 10 मिनट, 10 मिनट/60 यानी कि आपको 5 किलोमीटर घर की दूरी रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। भी तब में आप देख रहे हो कि मैं इससे यही एक चीज यूज कर रहा हूँ, इसके पहले वाले सवाल में भी यही हमने किया कि अगर चाल दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालना है, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, ठीक है। बढ़ता हूं, एक लड़का अपने घर से 10 की चाल से चलकर अपना स्कूल जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, जब वह 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर हो जाता है। फिर सवाल वही है, देखो एक ही सवाल रिपीट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि 10 के चाल से गया है और आया है 6 के चाल से,
लेकिन अंतर कितना है चार, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल कितना से, दस से गया और छह से चलकर चलता है, दस से जाता है तो सात मिनट पहले और छह से जाता है तो पांच मिनट देर से, देर पहले रहेगा तो जो समय जुट जाएगा, सात पांच बारह, अंतर निकालते हैं समयों का लेकिन जुट जाता है क्योंकि देर और पहले है, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, लेकिन अंतर करेंगे तो जुट जाएगा क्योंकि एक पहले है और एक देर है, इतना बटा साठ, देर देर रहेगा तो घटेगा, पहले पहले रहेगा तो घटेगा, बारह पचे साठ, पांच से पांच दूना दस, छोदनी बारह, चरती है बारह, तीन किलोमीटर इसका आंसर रहा होगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन, ये बहुत पूछता है और इसीलिए आपको बहुत बार दिया हुआ है सवाल में। दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः पांच किलोमीटर प्रति घंटा तथा चार किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं। दो एक ही दो व्यक्ति अलग अलग चालों से चल रहे हैं। पहला व्यक्ति दूरी को दूसरे व्यक्ति से दस मिनट पहले तय कर लेता है, मतलब कि पांच वाला पहले तय कर ले रहा है दस मिनट किससे, चार वाला से, तो तय की गई दूरी कितना है, यानी समय का अंतर दस है, तो फिर दूरी बराबर वही चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, क्योंकि ये दोनों के द्वारा लिए गए समयों का अंतर देल है तो मुझे दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, चालों का गुणनफल चालों का अंतर बटा समय का गुने समय का अंतर बटा क्या कर दीजिए 60, क्योंकि ये मिनट में था तो आवर में चेंज करेंगे, यानी कि आपको 6 × 6 = 20/6 का मतलब कि 10/3, 10/3 का मतलब 3×3 = 9 और 1 = 10 किलोमीटर। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं 22 के बाद 23 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को पैदल जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लेता है, पैदल गया है और वापस आया है तो कुल 8 घंटे का समय लगता है, पैदल जाने और वापस आने में 8 घंटे का, पैदल पीक से डिनोट करेंगे और वापस कार से आने में, सॉरी पैदल गया है और कार से वापस आया है तो कुल लगा है 8 घंटा। अगर पैदल ही जाता तथा वापस आता, पैदल ही वापस जाता जाता और आता, यानी दोनों तरफ पीपी पीपी से जाता, पैदल जाता तो 12 घंटा 30 मिनट लगता, यानी 12.5 घंटा लगता, तो यानी कि एक तरफ पैदल जाता तो मैं देखता हूँ 12.5 घंटा लग रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर वापस आता किससे बताएं, कार से आता, यानी 2P से गया है तो 12.5 घंटा लगा है, 25/2 घंटा लगा है। अगर दोनों तरफ कार से जाता तो कितना समय लगेगा, मैं क्या करूंगा कि इसमें 2 से गुना करूंगा तो ये 2P + 2C = 8×16 घंटा आ जाता होगा, और मेरा 2P दिया हुआ है 25/2 घंटा, 2P दिया हुआ है 25/2 घंटा, और ये है आपका 2C निकालना है और इधर 16 घंटा है, तो 16 घंटा में से 12.5 घंटा घटाएंगे तो 13 घंटा घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 3.5 घंटा आ जाएगा। आपको कहने का मतलब 3 घंटा 30 मिनट में कार से जाएंगे दोनों तरफ तो चल पड़ेंगे, क्या कीजिएगा पीपी यानी पैदल जाने पैदल आने, या 2C यानी कार से जाने और कार से वापस आने, तो आपको 2P दिया हुआ है 2C निकालना है, तो इसी में क्यों ना 2 से गुना कर दें हम, और गुना करने के बाद निकल पड़ेगा। सवाल अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो स्टेशन ए और बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 के चाल से चलती हैं। दोनों गाड़ियों के मिलने से ज्ञात हुआ कि दूरी ने पहले से 120 किलोमीटर अधिक चली। अब सोचिए जरा सा, एक रेलगाड़ी 50 की चाल से चल रहा है और एक रेलगाड़ी अभी बताए थे एक 60 के चाल से चल रहा है, अगर दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहा हो तो कहने का मतलब कि जब तक एक 5 चलेगा तब तक एक 6 चलेगा, नहीं, इन दोनों का चालों का अनुपात कितना है, अनुपात निकालिएगा तो 5:6, यानी कि अगर ये चलना शुरू किया इधर से और इधर से शुरू किया तो दोनों जब मिलेंगे तो एक 5 चलेगा तब तक दूसरा चलेगा कितना 6, यानी 6×5 = 11 चल पड़ेंगे दोनों एक साथ चलेंगे, तो एक साथ चलेंगे और एक खास समय तक चलेंगे तो 11 चल पड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे से 6 वाला 5 वाला से 1 अधिक चल पड़ेगा। यहां कह रहा है कि 120 अधिक चला है, यानी कि जो एक अंतर है सो कितना है 120 किलोमीटर है, और हमें क्या निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, तो हमें ए और बी के बीच की दूरी 5 और 6 = 11,
एबी की दूरी निकालना है तो एबी की दूरी 11 यानी कि 11 बार है 132 1320 किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं फिर अगले वीडियो में हम आपको आगे के प्रश्नों का सोल्यूशन देंगे। एक और है कि एक व्यक्ति कार चुरा कर भागता है, एक चोर दिन के 1 बजे साइकिल चुरा कर, कार नहीं साइकिल चुरा कर भागता है और वह 45 की चाल से इसे लेकर भागता है। मोटरसाइकिल के मालिक को, मोटरसाइकिल चुरा कर भागता है और मोटरसाइकिल के मालिक को 2 बजे पता लगता है यानी कि 1 घंटा बाद पता लगा। 1 घंटा में तो चोर भाग गया होगा 45 किलोमीटर भाई, घर से चुरा कर मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर चल पड़ा होगा 1 घंटा में, यानी कि 1 बजे यहाँ पता लगा है, 1 बजे चुराया है, यहाँ 2 बज गया है और चोर अभी भाग ही रहा है। उसी समय एक दूसरे मोटरसाइकिल्स के 54 के चाल से, देखिए ये 54 के चाल से शुरू कर दिया पीछा करना, 2 बजे से, 2 बजे से पीछा कर रहा है और यहाँ अभी 45 के चाल से भाग रहा है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना हो गया 45, तो कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो सोचिए पहले पकड़ने में लगा समय निकालना होगा, कितना दूरी इनके बीच क्रिएट हो गया 45, हर घंटे कितना पकड़ रहा है, घटाइएगा 54 से भागेगा ये, 45 से भागेगा वो, यानी कि हर घंटे 9 किलोमीटर पकड़ रहा है, 9 किलोमीटर पकड़ रहा है हर घंटे, तो 45 पकड़ने में 9 पचे 45 5 घंटा लग जाएगा और 5 घंटा कितने बजे से पकड़ना शुरू किया था ये 2 बजे से, तो 2 बजे से पकड़ना शुरू किया था और 5 घंटा लग जाएगा तो 5 और 2 7 घंटा 7 बजे पकड़ लेगा। 45 पकड़ना था, 54 और किस चाल से चल रहा है, 54 माइनस 45 के चाल से चल रहा है, समय टी लगेगा यानी टी है और ये आपको 9 है, 45/9 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया यहाँ पर, सॉरी 5 घंटा आंसर आ गया कि 5 घंटा में ये पकड़ लेता होगा। और 5 घंटा में कितना बजे से पकड़ना शुरू किया है, तो पकड़ने का समय जो हो जाएगा उस समय से पकड़ने का समय काउंट करेंगे जब दूसरा भी चल पड़ा है, पकड़ने का समय जो मिलेगा हमारा वो 2 बजे प्लस 5 बजे है यानी 5 घंटा है, तो 7 बजे पकड़ लेगा चोर को मोटरसाइकिल का मालिक, ठीक है। यही था आज भर, इतना ही, लगातार बढ़िया से पढ़ते रहें, मन में भाव रखकर पढ़ें कि नौकरी लेना है। यदि ये भाव आपके अंदर आया है और सचमुच निष्ठा से पढ़ रहे हो तो आपको नौकरी लेने से कोई न रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।